कांग्रेस नेता पंकज पुनिया अरेस्ट हो चुके हैं। अभी 2 घंटे के आसपास की न्यूज़ है, पहले की न्यूज़ है इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इनको किस ट्वीट के लिए अरेस्ट किया गया था, आपको ट्वीट भी सामने दिख रहा होगा छोटा सा, आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही भद्दा था ये। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी पार्टी का रिकॉर्ड रहा है कि हम मुस्लिम अपीजमेंट करेंगे। लेकिन आपको एग्जाम्पल देता हूँ ऐसा क्यों करके उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। मुस्लिम अपीजमेंट में इन्होंने क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ह्यूमन बींग हैं, अगर आप देखते हैं कि कोई वहाँ पर लंगड़ा लूला है, तो आपने अपने ही भाई का हाथ पैर तोड़ दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए, देखो मैं कितना सेकुलर हूँ, मैं कितना तुम्हारे लिए फीलिंग रखता हूँ कि मैं अपने ही लोगों के साथ गलत करने को तैयार हूँ, अपने ही धर्म को गाली देने के लिए तैयार हूँ, और इससे तुम्हारा मैं वोट पा लूंगा। करते हैं लोग, समय समय माहौल बनाते रहते हैं। और प्रियंका गांधी भी क्यों कर रही है बस का खिलवाड़, इतना सब कुछ ढोंग है, सब कुछ दिखावा है, सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं ऑलरेडी। किसी को नहीं पता तो वीडियो देख लेना, मैंने अपलोड की जो 15 मिनट वाली बड़ी वीडियो है। क्यों ये कांग्रेस रूल स्टेट्स में नहीं कर पा रही हैं, उनसे बिजली माफ़ करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर पा रही हैं, जहाँ इनकी सबसे ज़्यादा चलती है। कांग्रेस के एक आदेश से सबकी पैंट गीली हो जाती है, जितने भी इनके चमचे सीएम हैं इनके सारे प्रदेश के। लेकिन ये वहाँ नहीं करेंगी, ये वहाँ करेंगी जहाँ इलेक्शन आने वाला है, ये वहाँ करेंगी जहाँ इनको अपना पॉलिटिकल गेम खेलना है। अपना बड़ा दिल दिखाना था तो सही जगह करती, लोग अप्रिशिएट करते, लेकिन नहीं। खैर, तो ये कांग्रेस के अपीजमेंट का हिस्सा था जो उन्होंने किया। पुनिया ने बाद में माफ़ी मांगी, उसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप करते जाइए माफ़ी मांगते जाइए। आप अपनी आपकी हरकत है जो आप प्रैक्टिस करते हैं, गाली देते हैं फिर माफ़ी मांगते हैं। मैं अभी अभी कह के किसी मुसलमान को गाली दे दूँ फिर अगली वीडियो में माफ़ी मांग लूँ, क्या ये जायज़ होगा? खैर, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि जो पुनिया के साथ हुआ सही हुआ, सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और जो उसने किया था गलत किया था सही किया था जो भी है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बता सकते हैं। कोई नया है किसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।